हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि पर्शियन आर्ट या रिलीफ आर्ट पेंटिंग के लिए कोन कैसे रेडी किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी ये मार्बल पाउडर। ये मार्बल पाउडर मैंने लोकल स्टोर से बाय किया था, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद हम लेंगे फेविकोल एमआर, और इस तरह का कोन हमें चाहिए होता है, ये रेडीमेड कोन है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो इस तरह की शीट्स आप लेके कोन घर पे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए पेस्ट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं 2 चम्मच मार्बल पाउडर लूँगी और इसमें मैं फेविकॉल ऐड करूँगी। एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनने तक मैं इसमें फेविकॉल ऐड करूँगी। इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से ताकि पूरा फेविकोल मार्बल पाउडर में पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी ये थोड़ा डार्क है और मैं अभी इसमें थोड़ा फेविकोल और ऐड करूँगी और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसको फेंटना है स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक। ये देखिए मेरा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। ये एक ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसका कोन बना के रेडी कर लूँगी। अगर आपको कोन बनाने नहीं आता तो आप रेडीमेड पाइपिंग बैग ले सकते हैं। इस तरह से मैं कोन रेडी कर लूँगी और इसे टेप से सिक्योर कर दूँगी। फ्रेंड्स, आप अगर आप बड़ी पेंटिंग बना रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट बनाइए, अदरवाइज़ ये ड्राई होने लगता है बहुत जल्दी। अगर आप छोटी पेंटिंग बना रहे हैं तो आप इकट्ठा बना सकते हैं। ये मैंने कोन फिल कर लिया है, अब मैं इसे रबर बैंड से सिक्योर कर लूँगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कोन किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इसे हमें थोड़ा सा सामने से कट करके और एक बोर्ड पे मैं आपको चला के दिखाती हूँ। एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हुई है। तो इस तरह से आप कोन रेडी कर सकते हैं।